Hey guys, welcome back to my channel. और आप सब कैसे हैं? So girls, आज का ये video बहुत ही informative और बहुत ही helpful होने वाला है, because I'm going to talk about a night skincare routine. Guys, over the time ये हुआ है कि night skincare routine मैंने बहुत religiously follow किया है, and I can really see some changes into my skin. और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी ये follow करना चाहिए, क्योंकि होता क्या था पहले दैट इफ आई यूज टू गेट टायर्ड. सो मैं एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता था यार अब कौन नाइट स्किन केयर रूटीन करे. और बट यू नो दैट गर्ल्स इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू आवर स्किन. हम दिन में तो हम करते ही हैं, बट रात को जो है हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं उसका मॉइस्चर लॉक होता है, स्किन हाइड्रेटेड होती है, रात को स्किन रिजुविनेट होती है, ज़्यादा अच्छे से जो है हमारे सेल्स जो हैं उन पर काम होता है जो स्किन के सेल्स हैं. तो मुझे ओवर द टाइम ये चीज़ महसूस हुई कि नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मेरे पास एक DIY है सबके लिए. जो अगर आप कोई और प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ करते हैं, इफ़ यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ टोनर नहीं यूज़ करते हैं, आप कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते हैं, तो यू कैन जस्ट यूज़ दैट पर्टिकुलर लोशन जो घर पर ही बन जाएगा एंड यू आर सॉर्टेड. तो एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर द विंटर्स, बिकॉज जब समर्स आएंगे देन आई विल बी शेयरिंग सम अदर थिंग विद ऑल ऑफ यू. तो अभी के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब इट. और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे और आपको अच्छा लगे, सो गिव इट अ थम्स अप. और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. सो गर्ल्स, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो हनी जेल. ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है. और इसमें ये है कि इट इज बायो हनी जेल is a hydrating foaming soap free gel is blended with pure honey and extracts from the bark of the arjuna tree and the wild turmeric. Guys, as we all know ki jo honey hai that is really good for our skin, because isme anti aging properties hoti hain which is really good. और दूसरा ये कि हमारी जो भी fine lines है या wrinkles हैं उसमें धीरे धीरे ये honey जो है ये हमें बहुत help करता है. और दूसरा ये कि हमारे स्किन को बहुत सॉफ्ट और बहुत ही सपल रखता है. सो अभी प्रेजेंटली आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फेस वॉश. और जो इसका जो MRP है दैट इज़ 119 रुपीज़. सो आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव और ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, तो ये स्किन पे आपके ज़्यादा हार्श नहीं होगा. और सबसे अच्छी बात है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, तो ये सभी यूज़ कर सकते हैं. इधर यू आर दी ऑयली स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है और ड्राई, तो सबके लिए ही ये बहुत अच्छा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज़ द फेस वॉश आई एम यूजिंग. सो गर्ल्स, जो नेक्स्ट है ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ. दिस इज़ द फॉरेस्ट एसेंशियल टोनर एंड दिस इज़ रोज़ टोनर. और रोज़ वाटर तो वैसे भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये सब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. और ये मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया है एंड इट इज़ रियली गुड. ये जो है दिस कॉस्ट मी फॉर 360 रुपीज़. और इसका जो क्वांटिटी है दैट इज़ 50 ml. फॉरेस्ट एसेंशियल थोड़ा सा लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में आता है, बट अगर आपको अच्छा टोनर अगर लेना है तो आप ये ले सकते हैं. अदरवाइज देर इज़ वन मोर रोज टोनर इन लोटस. लोटस के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं. सो वंस आई वॉश माई फेस आफ्टर दैट आई यूज़ दिस टोनर. और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ दिस मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ बाई Facescanada. बेसिकली ये एक डे मॉइस्चराइज़र है. मैंने इसको समर्स में लगाना शुरू किया था और डे में मैं लगाती थी, बट उस टाइम पे मुझे ये सूट मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है. तो मैंने अभी इसको विंटर्स में लगाना शुरू किया है. तो नाइट में मैं इसको क्यों यूज़ कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात है कि ये एंटी एजिंग है. इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा जो है थोड़ा हायर थोड़ा थिकनेस है, बट ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पर.
इसमें ग्लिसरीन है, एज वी ऑल नो दैट ग्लिसरीन इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और इसके अंदर वाइटामिन सी है. वाइटामिन सी इज़ रियली गुड अगर हमारे पिगमेंटेशन है, हमारे किसी तरह के स्पॉट्स हैं हमारे फेस पर, ब्लेमिशेस हैं, तो उनको रिड्यूस करता है. देखिए गर्ल्स, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, हम कितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें, अगर हमारे फेस पे किसी तरह के ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन या ब्राउन स्पॉट्स हैं, दैट रियली टेक्स टाइम, उनको थोड़ा टाइम लगता है हमारे स्किन से कम्प्लीटली जाने में. लेकिन इन सब का ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि आपकी जो स्किन है वो अच्छी रहेगी, शाइन करेगी, ग्लो करेगी, अंदर से जो है इट विल बी हेल्दी. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए. अगर मैं कोई नाइट क्रीम परचेज करती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट एज ऑफ नाउ मैं अभी ये ही यूज़ कर रही हूँ एंड ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर रहा है. गाइज, इसके बाद जो है आई जस्ट यूज़ दिस इज निवियाज लिप बाम. So this I use as to just moisture your lips, or I use Boroplus for my hair. Sometimes I use Boroplus also on my lips because Boroplus और Boroline हम बहुत टाइम से अपने घरों में देखते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चर होता है उनका, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं. गर्ल्स, इसमें एक और स्टेप है जो मैं हफ्ते में दो दिन करती हूँ, विच इज स्क्रबिंग. As you all know कि स्क्रबिंग भी हमारे को एक्सफोलिएशन भी बहुत ज़रूरी है. सो आई कैन से दैट सेंट आइव्स एनर्जाइजिंग कोकोनट एंड कॉफ़ी स्क्रब. ये मैं, इतनी बड़ी पैकेजिंग है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैंने काफ़ी इसको यूज़ कर लिया है. और इसके अंदर मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि इट रियली सॉफ्टन्स द स्किन. मैं जब इसको यूज़ करती हूँ मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि स्किन ड्राई हो गई है और खिंच रही है, नहीं, बिकॉज इसमें कोकोनट है और इसमें कॉफ़ी, तो इट्स वेरी गुड. अगर आप ये स्क्रबर नहीं भी ख़रीदना चाहते तो आप जस्ट जो है कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कॉफ़ी मिक्स कीजिए एंड यू कैन यूज़ इट एज अ स्क्रबर ऑल्सो. मैं स्क्रबर जो एक्सफोलिएटेड फेस वॉश होते हैं वो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमें फेस वॉश डेली चाहिए हमें, और हम रोज़ एक्सफोलिएट नहीं कर सकते अपनी स्किन को, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है. फिर पोर्स हमारे ज़्यादा जो हैं लार्ज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. तो एक्सफोलिएशन हफ्ते में दो दिन बहुत होता है. तो मैं क्या करती हूँ कि वंस आई जस्ट वॉश माय फेस, आफ्टर दैट आई यूज़ दिस एज अ दिस एक्सफोलिएटर एंड देन नॉर्मल आई जस्ट डैब माय फेस विद अ एनी टॉल. और हमेशा डैब करिए फेस को, कभी रगड़िए मत उसको, अच्छे से सॉफ्ट आराम से इसको डैब कीजिए एंड देन अप्लाई माई मॉइस्चराइजर, द टोनर एंड देन मॉइस्चराइजर. सो दिस इज़ अ सिंपल रूटीन कि हमें पता है CTM, दैट इज़ क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. तो ये मैं अभी प्रेजेंटली फॉलो कर रही हूँ एंड आई कैन रियली सी गुड चेंजेस टू माई स्किन. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो नाउ अब हम बात कर रहे हैं DIY के, सॉरी आई फॉरगॉट दैट. सो DIY में आप क्या कीजिए, आप लीजिए ग्लिसरीन बाज़ार में मिल जाती है आराम से. सो आप ग्लिसरीन लीजिए, रोज़ वाटर लीजिए और एक आपको चाहिए लेमन. और आप इन तीनों को मिलाकर आप एक लोशन बना लीजिए. ग्लिसरीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए, रोज़ वाटर उससे कम. और अगर आप थोड़ा क्वांटिटी बनाते हैं तो उसमें आधा नींबू भी बहुत है, अगर आपको पूरा भी डालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मतलब कहने का ये है कि इन तीनों को मिलाकर आप ये लोशन मिला लीजिए. जब आप रात को अपना फेस वॉश कर लें उसके बाद आप कॉटन में लेकर अपने फेस पर आप इसको अच्छे से लोशन को लगा लीजिए एंड यू आर सॉर्टेड. एंड आप मॉर्निंग में देखिएगा आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होगी, सपल होगी वंस यू वॉश योर, क्योंकि जब सुबह उठेंगे तो एक बार फेस वॉश करेंगे आप देखेंगे कि हल्की सी शाइन आपको अपने फेस पर नज़र आएगी. इट इज़ सो गुड. एंड ये पहले मेरी मदर जो है वो मुझे बताती थी करने के लिए, हम जब छोटे थे तो हम करते थे, तो अभी काफ़ी टाइम से नहीं किया, बट अगेन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर लोशन, क्योंकि बहुत ही अच्छा है विंटर्स के लिए. सो ये आप करिए. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. अगर आप टोनर और मॉइस्चराइजर नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ ये भी लगा सकते हैं. सो गाइज, आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप कि ये हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, और आने वाले वीडियोज़ में हम और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ बात करेंगे. और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब इट एंड गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो. टिल देन, बाय बाय.